अरे इधर एक प्रॉब्लम हो गया, बस कमरा से बाहर निकल। अरे कैसे पढ़ाई हो रही है? अब मैं प्रैंक करके दिखाती हूँ मुकुल का, वो तो बता देगा यार। नीचे कौन? जूते में चाबी ढूंढ रहे हैं। मैं जा रही हूँ अभी नीचे क्योंकि पार्सल आया हुआ है मेरा, और कल से आया हुआ है, नीचे गार्ड के पास ही है। कुछ तो भी करने को मन नहीं कर रहा है, करूँ क्या समझ नहीं आ रहा। तेरा एडिट कर दूँ? आ गया, अब तो लिफ्ट आ गया कि हम लोग पार्सल लेने नीचे और चाबी अंदर छोड़ दिए थे। मैटर कर रहे थे ना, आज हम मैटर करते हैं मुकुल के साथ। भागता हुआ आएगा पार्सल, और इतने सस्ते सस्ते कपड़े मंगवाती हूँ ना मैं, और इतने अच्छे रहते हैं वो, मतलब 1000 रुपए के ऊपर जाते ही नहीं है मेरे को। तू कॉल करना, चल ठीक है मैं बोलती हूँ। लगा फोन, मुकुल कहाँ है? अच्छा उसको फोन दे। अरे इधर एक प्रॉब्लम हो गया, इधर तुम आना पड़ेगा अभी। अभी करेंगे क्या वो सोच रही हूँ मैं। ये हो गया कि हम लोग नीचे गए पार्सल लेने के लिए और चाबी अंदर ही छोड़ दिए, याद ही नहीं आया क्या करूँ अभी मैं। दिमाग से ही, हम दोनों के दिमाग से निकल गया। हम दोनों भी इधर ही खड़े हुए हैं बाहर पे, अभी क्या करूं, खुलेगा कैसे? इन पे नहीं है क्या और एक्स्ट्रा चाबी? दूसरे घर का चाबी एक बार ट्राई करे तो ऊपर से गुलशन जाऊंगा कह रहा है। तुम पहले यहाँ पे एक बार आ जाओ, वो तो बता देगा यार। नीचे कॉल करूंगा बोल रहे। अरे यार कॉल करेंगे कह रहे नीचे में, और वो तो हमें देखे अब भी बता देंगे। प्लान तो इतने अच्छे से मैंने सफाई से बोला है भाई, मानना भरोसा भी हो गया है, बस एक कॉल कर दिया। अगर कॉल कर देगा तो पता चल जाएगा। तो नीचे वालों को जाके सेटलमेंट करूं क्या? तू बोल क्या कॉल आएगा तो बोलना चाबी तो नहीं है, जल्दी जा, भाग के जा, बोल क्या जा। देखे खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वही कर रहे हैं हम लोग। मतलब क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो चलो यही कर लेते हैं। काम बहुत सारे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे ना, घर पे बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं, जैसे वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, सब कुछ कर रहे हैं। बट थोड़ा सा ऐसा चुल मची रहती है ना अंदर में, मतलब कि यार कुछ तूफानी सा नहीं हो रहा है तो तूफानी सा करते। और मुकुल ने कल जो किया हमारे साथ, मतलब लड़ाई हो गया, मैटर हो गया कर रहा था, आज हमने मैटर कर दिया मुकुल के साथ, तो आज उसको समझ आएगा कि हाँ प्रैंक। अब मैं प्रैंक करके दिखाती हूँ मुकुल गाइन के साथ। मुकुल गाइन तो परेशान हो जाएगा अभी, पता है क्यों? क्योंकि एक ही चाबी है हमारे घर की और एक चाबी है घर पे, और ये चाबी अगर लॉक हुआ तो मतलब चाबी है ही नहीं ना बिल्डिंग वालों के पास है ना हमारे पास है। चाबी रखा है ना जेब में, कहीं रियल में ना हो जाए। हम ना भी नीचे जाएंगे, बिल्डिंग से नीचे जाएंगे और उधर ही रुकेंगे, और उनको लोग आएंगे ना तो उनको हम बोलेंगे कि यार चाबी तो नहीं है। इसने दिया ये आइडिया, और कुछ भी होता है गाली तो इसको ही पड़ेगा, मुझे क्या, मैं तो इसे फंसा दूंगी। खाते तो थोड़ा आज वैलिडेशन के लिए खा लेगा। चॉकलेट और वो सामने रखा था, मैं भूखा तू क्यों खाया करके मार के चले गया। वो तो ठीक है, मैं खाया भी नहीं था। कहाँ जा रहे? मजा नहीं आ रहा था, इतने दिनों से अच्छा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मुकुल के साथ एक जबरदस्त वाला प्रैंक किया जाए। हमारे घर पे घर की जो चाबी है, यहाँ का मुंबई वाले घर का एक ही चाबी है और दूसरा चाबी हमारे घर पे है, तो ये चाबी को मैंने मतलब ये चाबी अगर लॉक हो गया, अंदर छूट गया या घूम गया, तो उसके बाद हम अंदर नहीं जा सकते घर के, कुछ भी हो जाए, ना बिल्डिंग वालों के पास है ना कुछ है, वो ताला टूटता भी नहीं है, टूट भी नहीं सकता, उसको चाबी ही चाहिए। अच्छा सब इधर बैठेंगे साथ में। हमने सोचा कि एक प्रैंक किया जाए मुकुल के साथ, क्योंकि वो हमेशा हमेशा हर किसी को टोकता है कि चाबी संभाल के रखना, तो आज हमने बोला है कि चाबी हमारा घूम गया है, मतलब अंदर छूट गया है रूम के, और हम बाहर आ गए और गेट लॉक हो गया। चाबी पास ही है। अरे सही है, नहीं नहीं नेचुरली होने दो। मुकुल ने तो बिल्डिंग के जो इंचार्ज है ना, वो उनको तक कॉल कर दिया है, मेरे को चिल्लाएंगे, लेकिन मजा आ रहा है। ऐसा प्रैंक बहुत दिनों से किया नहीं है मुकुल के साथ,
आज तो फ्रेंड बनता है आ ही नहीं रहे, यही पास में ही मार्केट गए हैं, उसके बाद भी नहीं आ पा रहे ये लोग। मुझे ऐसा रहना है काम में। कैसे करूं? उन लोग कोई नहीं ले रहे वीडियो। वो टेंशन में कहां से वीडियो लेंगे? अब आएगा मजा। नहीं देख रहे, गाड़ी पीछे करने हैं, घर मिले न में गाड़ी पहले अंदर अच्छे से पार्क करना है, भले घर के अंदर रह ना पाए आज गाड़ी पे रहना पड़े, गाड़ी सीधा करके पीछे करके पूरा पार्किंग में अंदर डलेगा। ऐसा गेट बना है ना, कुछ नहीं हो सकता बिना चाबी का। जो हमने किया मैं तो सारा इल्जाम तेरे पे डाल दूंगी। चाबी ये भूल गया, स्टोरी इसने बताया, प्रैंक का आइडिया इसने दिया, एडिट कर रहा था। रायपुर जाए चाबी लेते, और मैं देखो दरवाजा ना ऐसे खुला था, मुझे ऐसा लगा कि खोल के ही आएगा भाई, नीचे ही तो आ रहे हैं पार्सल लेने के लिए, तो छोड़ के मतलब खोलेंगे और वैसे खुला ही छोड़ के आएंगे। दो मिनट के लिए कौन सा लॉक लगता है भाई, तू खींचा क्यों दरवाजा? इधर पे चाबी वाला है, इधर चाबी का कुछ नहीं हो सकता। कंप्यूटर चाबी वाला बनाने के लिए आएगा ना। अभी तक सिर्फ मैं और गुलशन ही परेशान थे, अभी मुकुल भी आके परेशान, पता नहीं अभी क्या करेंगे देखते। आओ भाई, कहाँ कुछ किया मैं? तुम झूठ तो नहीं सोच रहे हो, कहीं हंस क्यों रहे हो? काम पे हंस रहा हूँ तुम्हारे यार। क्या मेरा काम नहीं है, इसका काम है। लैपटॉप चालू है, फैन चालू है, अब तो बाजू के घर पे भी रहने आ गए हैं। तो तुम सोचा था ना ऊपर से आया था फोन के? देता हूँ तुम शादी। ए भाई ले ले लो चाबी, लो जूते में चाबी ढूंढ रहे हैं। कैसा भरोसा नहीं है साले। पार्सल कह दे तुम्हारा, पार्सल लेने के लिए नीचे ही है, पार्सल थोड़ी लाए हैं वो मेरे छोड़। पार्सल का नीचे किधर है? तुम तो पार्सल लेने गए थे। अरे तो पार्सल नीचे ही है ना, किधर पे? अरे उसी उधर ही पे जाओ, पूछ लो है या नहीं, जाओ देखो सही में। मेरा फोन क्यों लेना है तुझे? मैं दे दिया था भाई चेक के साथ। फोन क्यों लेना है मेरा? फोन क्या हो गया? भरोसा नहीं है तुमको मेरे पे? क्या भी भूल मतलब इसको कुछ करने का सोचो, खोलने का। क्या हो गया मुकुल भाई, टेंशन में चले यहीं से रायपुर वापस? गाड़ी का चाबी तो है ही हमारे पास। तो सुबह से प्यासा तो सारी भूखा हूँ, प्यासा तो नहीं हूँ, भूखा ही भूखा हूँ, परेशान कर दिया। तो मैंने कुछ किया? जिसने किया उसको बोलो, मेरी गलती होती तो मैं मान लेती। बस कमरा से बाहर निकल चाबी नहीं ली है मैंने, देख चाबी नहीं, अरे कैसे पढ़ाई हो रही है? उस पता चलता चाबी वाले को लेके आ जाएगा, देखो कितने गंदे। मैं टेंशन में आ गया था, मैं अच्छा खासा प्लान पूरा, तू अच्छा खासा दिया था नीचे गार्ड को चाबी, वो गार्ड आके दे दिया। मैं पूरा प्लानिंग बोला था आपको, पार्सल भी लेके चलते हैं। हाँ पार्सल में एक तो तुम पार्सल मैं वही मैं बोला थी पार्सल बोला थी मैंने, बोला थी पार्सल करती है बोलेंगे, इतना नहीं दी थी, इतना दिमाग नहीं है उसमें। ये रहा पार्सल, और ये आइडिया इसका था, ये देखो इसका आइडिया था, अब क्या करोगे इसके साथ? क्या हो गया? कैसा था?
मेरे को एक जगह भी नहीं पकड़े होगे कॉल में, जो जो मैंने बोला है जैसे बोला है यहाँ आके भी नहीं पकड़े होगे, वो बस पार्सल में पकड़ा गई। गोलू को आधे रास्ते में उतार दिया कि जा तू आधा सामान लेके आ, मैं देखता हूँ इधर का सामान। भाई यार मैं लिफ्ट में आते तभी समझ गया ना भैया प्रैंक हो रहा है यार। समझ गया था मैं थोड़ा थोड़ा, जब देखा कि तुम्हारे हाथ में पार्सल नहीं है, फिर मैं बोला चलो हो सकता है। तो मैंने बस एक गलती किया कि मुझे पार्सल ले लेना था, पार्सल को मैंने अंदर ही छोड़ दिया था, इसीलिए मेरा प्रैंक पकड़ा गया, वरना मेरा ये प्रैंक एकदम टॉप क्लास का था, जिसमें मजा ही आ गया तुमको तो आज। जैसे स्पाइडरमैन जैसे रिंग रिंग के चढ़ा, आजू बाजू सब जगह लोग रहने आ गए हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई नहीं चढ़ सकता कहीं से भी।